तो सबसे पहले हम डालेंगे घी। घी में कोई भी कंजूसी नहीं करने का है, बढ़िया से डालो। उसके बाद जाएगा गार्लिक, थोड़ा सौते किया, फिर डालेंगे मशरूम, खड़े मसाले, चिली ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें पानी, चावल नहीं, H2O करना बहुत ज़रूरी है। इस समय क्या हो रहा है भैया, इम्यूनिटी और क्या कहते हैं लोगों को पानी की कमी, दोनों ही बहुत ज़्यादा कमी है। साइड में हमारे शेफ दीपक सिखाते हुए मुझे, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं भी बना रहा हूँ। यस बिकॉज यार मैं तो क्वांटिटी का खाना बना लेता था, अब इंडियन का जो बनाना सीख रहे हैं आप लोग के साथ, आप लोग के लिए जल्दी कुछ अच्छा बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी और भी अच्छा लगे। तो भाई ये जो डिश है ना, ये मैं कह नहीं सकता कि प्रॉपर इंडियन स्टाइल। क्या होता है कि अगर आप यूरोपियन में जाओगे या फिर कोई भी क्वांटिटी फूड में जाओ खाना खाने, क्वांटिटी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर आपको एक वाइल्ड मशरूम जो तो मिलता है, तो रिसोटो भी राइस होता है बट वो अटबोरी होता है, मैं बासमती यूज़ कर रहा हूँ, और उसके साथ वो चीज़ जाके ना प्रॉपर रिसोटो बनाते हैं, तो पोर्चिनी मोरेल मशरूम और ट्रफल के साथ। तो मैं इसको इंडियन वर्जन में बना रहा हूँ। अब जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है, प्यार, और खाने का प्यार जो है वो है नमक। बिना नमक के सारी चीज़ें प्यार अधूरा रहता है। बस देखा अभी से आपने बताया हमको। इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्योंकि हम बना के आ रहे हैं गुच्छी पुलाव, तो गुच्छी डालना जरूरी है ना। थोड़ा सा फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, और क्योंकि यार मेरा फेवरेट है ना कस्तूरी मिर्च डालती है, इसको घुमाया, एक बॉयल आने देंगे और उसके बाद जो है हम चावल डालेंगे। सबसे जरूरी को पुलाव बना रहे हैं ना, तो आटा तो डालेंगे नहीं, है कि नहीं, चावल। चलो आइए, तो ये भिगा जो कि मैंने 2 घंटे के लिए भिगा के रखा था, इतना था। यार दीपक से आप पीछे से बोल के ना पूरे वीडियो कैसे से ले रहे हो आप, ये मैं ऐसे डाल दूंगा कन्वर्सेशन के साथ साथ, पक्का सही बता रहा हूँ मैं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, ये वीडियो बहुत ही खतरनाक बन रहा है, इसके पीछे दो दीपक साथ में खड़े हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वीडियो। और खड़े मसाले, कुछ थोड़ा सा बेबे का प्यार, थोड़ा कस्तूरी मेथी जो आपस में अभी चिपके बैठे हैं झगड़ा कर रहे हैं, तो उसको हम छिपाने की कोशिश करते हैं। वो तो छिपाने के बाद जो प्यार निकलेगा ना वो देखते ही बनता है। जो झगड़े हैं मतलब राइस अलग है, फ्लेवर्स अलग हैं, सब चीज़ें अपना अपना घूम रहे, थोड़ा उसको दबा दिया जाए ताकि एक साथ मिल के जो है वाव कर दे। तो इसको मैंने दबाया और आँच को किया बिल्कुल कम, और 3 से 4 मिनट मैक्सिमम, और इसके बाद आप खोलिए आपका पुलाव रेडी है। देख सकते हैं गुच्छी पुलाव रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा ग्रीन धनिया, काजू मैंने फ्राई करके रखा हुआ था,
और थोड़ा सा फ्राइड अनियन। Now it's ready to serve. Wow, too yummy. आप भी घर पे ट्राई करें एंड मुझे जरूर बताएं। बाय बाय, अभी मैं खाता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं।